हिमाचल में लगाऊं समाधि, कोई आने ना पाए व्याधि। ऐसा वर सब लोग चाहते हैं। अब एक सार्वभौमिक प्रश्न हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि लड़का देखने जाएं तो क्या देखें। तो जब लड़की वाले ये सवाल मुझसे पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा विवरण प्रस्तुत करूंगा। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। आज मैंने एक कॉलेज के माध्यम से मैं दोनों पक्ष के बीच में कुछ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करूंगा। अब हमें लड़कों की हथेली में क्या देखना है, भाई लड़का देखने जाए तो क्या देखना है। तो अब लड़का देखने जा रहे हैं तो हमें उसका गुरु पर्वत जरूर देख लेना है, सुंदर होना चाहिए। अब उस पर और क्या क्या हमको गुण मिल सकते हैं, कुछ अच्छे साइन जैसे मछली का प्रथम साइन मिल सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुछ ट्राइंगल मिल सकता है ये भी बहुत अच्छा, कुछ इसके ऊपर ब्लॉक मिल सकते हैं वो भी अच्छा, कुछ अगर सर्किल मिल जाए, कुछ और दिव्य चिन्ह मिल जाए तो वो तो बहुत अच्छा, तब तो वो तो दिव्यता का प्रतीक वर हो गया, सभी लोग ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन अगर हम आम परिवारों में आके बात करें, सार्वभौमिक मैंने बोला क्योंकि मैं प्रश्न वही लेने की कोशिश करता हूँ जो सार्वभौमिक हो, जो सबके कल्याण से जुड़े हों। तो आप देखेंगे सबसे पहले गुरु, तो गुरु का पर्वत क्लियर होना चाहिए, मैं थोड़ा इसको ये पूरा क्लियर होना चाहिए, इस पर कुछ अच्छे साइन हो तो हो सकते हैं। यहाँ से ये हमारी लाइफलाइन होती है, ये लाइफलाइन होती है, यहाँ से हमें कुछ प्रोग्रेस लाइन अगर मिल जाए देखने के लिए बहुत बढ़िया, आगे प्रोग्रेस है। तो ये हमें दो चीज़ देखना चाहिए, अगर गुरु का पर्वत खंडित है, उसके ऊपर दाग है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, डिप्रेशन है, तो हेल्थ और वेल्थ से वो व्यक्ति पीड़ित रहता है। तो ऐसे वर में अगर विकल्प मिल रहा है तो छोड़ देना चाहिए। तो मेरा ये सभी से एक सलाह रहती है कि लड़का लड़की अगर एक दूसरे का फ़ोटो मंगा रहे हैं तो साथ में हथेली का भी फ़ोटो एक हो जाए, उससे तो पूरा निकल जाता है, वर्तमान की स्थिति पता लग जाती है, कितनी अच्छी बात है, यही ज्योतिष है, यही अमृत है। तो ये गुरु का पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए या एवरेज होना चाहिए। अब एक मजदूर दूसरे मजदूर के घर लड़का लड़की का एक्सचेंज करने, शादी के विवाह मांगलिक कार्यक्रम के लिए जाता है तो हो सकता है कि गुरु हमें उन्नत नहीं मिलेगा। ठीक, गुरु पर्वत पे इस तरीके की लाइन भक्ति लाइन होती है और साइन तो मैंने आपको बता दिया, वो तो दिव्य हैं लेकिन औसत परिवारों में नहीं मिलेंगे, लेकिन ये पर्वत साफ सुथरा होना चाहिए, ये एक चीज। और एक लक लाइन जरूर होना चाहिए जो शनि पर्वत पे पहुंच रही है, ये दो चीज़ ये जरूर होना चाहिए। उंगलियां खंडित नहीं होना चाहिए, अब डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत सारा काम हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ परिवार स्पेसिफिक पूछते हैं, जैसे फॉरेन सेटलमेंट वाले कुछ लोग हैं, वो ये पूछते हैं कि आप बताइए कि ये लड़का फॉरेन में हमारे साथ सेटल होगा या नहीं, ये लड़की हो पाएगी या नहीं। तब वो सार्वभौमिक नहीं है वो प्रश्न, सार्वभौमिक क्या है, क्या होना चाहिए। तो गुरु का पर्वत अच्छा उन्नत होना चाहिए, उंगली में को टेढ़ापन ना हो, पर्वत और उंगली दोनों स्वच्छ हो, अच्छी हो, ये हमारी प्राथमिकता। अब जब नहीं मिल रहा है तो उसमें से भी देख लीजिए, अगर आपके पास में 3-4 है तो उसमें से जो बेटर है वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक एक लक लाइन जरूर हो, क्योंकि अगर लक लाइन नहीं होती है तो फिर कमाई नहीं होती है। लक लाइन इंश्योर करती है भले ही वो टूटी फूटी हो, लेकिन हो जो शनि पर्वत तक पहुंच रही हो, क्योंकि जब तक शनि पर्वत पे कुछ लाइन नहीं पहुंचेगी उसकी आमदनी नहीं होगी या उसकी आमदनी की श्योरिटी नहीं होगी। तो एक लक लाइन जरूर हो, ये दो चीज जरूर, लड़का देखने जाएं, वर देखने जाएं, जरूर देखना चाहिए। अब किसी से हमने ये दो चीज़ बता दी, लेकिन वो एक फिर प्रति प्रश्न करता है कि और क्या देख सकते हैं। मैंने बोला आपको, मैंने उनसे जो मेरे क्लाइंट थे मैंने उनसे बोल दिया कि मैंने आपको दो चीज़ें बता दी, आप दो देख लेना, लेकिन उन्होंने बोला कि सर और क्या देख सकते हैं। तो और एक अगर उससे ज़रूरी, अगर मुझे तीसरे नंबर पर कुछ आ रहा है तो यहाँ पर जो संतान के खंड बने होते हैं तो वो हमारी रिप्रोडक्टिव यौन शक्ति भी को भी दिखाती है। तो अगर यहाँ पे बराबर अच्छे से गोल गोल खंड साफ सुथरे बने हैं
तो संतान योग है, तो उससे परिवार आगे बढ़ेगा, ये हम देख सकते हैं। और ये अगर हम शुक्र का पर्वत देखें तो यहाँ से हमें सुंदरता मिल सकती है। लेकिन ये बात की चीज़ है, सबसे पहले गुरु का पर्वत सुंदर हो, खंडित वंडित ना हो। खंडित होगा तो हेल्थ और वेल्थ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, और एक लक लाइन जरूर हो, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। शनि पर्वत पे कुछ खा मतलब कुछ क्रॉस का निशान, शनि पर्वत कहने का मतलब है ये दो पर्वत देखना कहीं बिगड़े ना हो, और उसमें भी क्या है लक लाइन, क्योंकि मैंने लक लाइन बोला, अगर लक लाइन अच्छी होगी तो पर्वत भी अपने आप अच्छा होगा, ये दो चीज़ जरूर देखना चाहिए। और अगर कोई बोलता है कि और क्या देखना चाहिए, तो उस बच्चे की प्रजनन क्षमता देखनी चाहिए कि वो व्यक्ति परिवार को बढ़ा पाएगा या नहीं। फिर अगर कोई बड़ा परिवार है, कॉरपोरेट है, तो वो धन भी देखते हैं, तो फिर हम वो ट्रायंगल देख के और उसकी व्यापारिक लाइन देख के बता सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक आ जाता है तो गुरु और लक लाइन उसकी होना ही चाहिए अच्छी। और ये तीसरे नंबर पे उसकी प्रजनन क्षमता, और प्रजनन क्षमता होगी तो परिवार आगे बढ़ेगा, ये दो चीज़ जरूर देखना चाहिए। अब लड़के वालों का सवाल, लड़की कैसी होनी चाहिए। अब लड़की जब हम देखने जाते हैं तो हम बहुत सारी, अब लड़के में क्या होता है कि उसकी बुद्धि और कमाई देखी जाती है। अब लड़की देखने जाओ तो फिर बहुत सारा देखना पड़ता है, तो ये एक हमारे समाज में प्रचलित मान्यता है। तो लड़की में कला और सौंदर्य भी देखा जाता है, तो जब भी कोई लड़की देखने जाता है तो उसके हमेशा मैं सलाह देता हूँ कि आप देखिए, पहले तो आपको गुरु पर्वत ही देखना पड़ेगा। गुरु पर्वत, इस पे तो खैर मछली बनी हुई है, आपको गुरु पर्वत देखना पड़ेगा। ये साफ स्वच्छ होना चाहिए, हेल्थ वेल्थ अच्छी होना चाहिए। एक अगर अगर गुरु का पर्वत अच्छा है तो इसका मतलब माता सरस्वती का आपके हृदय में वास है, हेल्थ और वेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। और गुरु गड़बड़ होंगे तो सब गड़बड़ होगा, उसका भी गुरु देखना चाहिए। वही चीज़ मैं रिपीट कर दूं, जो जो चिन्ह उसमें बताए हैं और जो नहीं अपन अपेक्षा में रखते हैं वो सब करना चाहिए। अब स्त्रियों में एक चीज़ और होता है, वो होता है कला सौंदर्य गुण, तो उनका शुक्र देखा जाता है, तो शुक्र सुंदर होना चाहिए। अब उसमें भी अगर प्रजनन क्षमता उनकी अच्छी है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कैसे है उनकी प्रजनन क्षमता, संतान इसमें दिख रही है, गोले अगर शॉर्ट शॉर्ट अच्छे अच्छे बन रहे हैं, या स्क्वायर एक दूसरे के साथ। जंजीर नुमा नहीं होना चाहिए, जंजीर नुमा होता है वहाँ पे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होती है, कोने कोने पे सब जगह हो जाए तो बच्चा मृत भी हो सकता है, अगर लाइन कट पिट जाए तो। अगर कोई लाइन उसमें से कट पिट जाए या क्रॉस बना दे उस गड्ढा उस संतान के खंड में, तो बच्चा मर भी जाता है, तो ये सब हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे पहले गुरु की उंगली भी सीधी हो। और अब जब वधू देखने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो सबसे पहले हम उसके नाम के आगे लिखते हैं सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली कैसे बनेगी वो, क्या उसके हाथ में हम कैसे देखेंगे वो सौभाग्यशाली है उसकी लक लाइन से। और उसका अगर बुद्धि अच्छी है तो हमें उसका बुद्ध देखना चाहिए, मतलब मांगलिक कार्यक्रमों में। कुछ लोग होते हैं ना कि कहीं खड़े हैं तो जहाँ वो खड़े होते हैं वहीं वो दिव्य हो जाते हैं, तो उसके लिए उनका बुद्ध पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि बुद्ध सुंदरता के भी प्रतीक हैं, मांगलिक कार्यक्रमों के भी। तो वधु के नाम के आगे जो लिखा जाता है सौभाग्यशाली, बुद्ध देखिए, बुद्ध बिगड़ा ना हो। बुद्ध बिगड़ा रहेगा तो बुद्ध कैसे बिगड़ेगा, बुद्ध बिगड़ेगा उसके ऊपर क्रॉस हो, गड्ढा हो, कुछ हो, अच्छे साइन बने हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ये देखना चाहिए। और ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो ये सौभाग्यशाली। अगर हम जाते हैं, वैसे तो जाना है तो हमें सबसे पहले बुद्ध ही देखना है, गुरु ही देखना है, हमें सबसे पहले गुरु ही देखना है। और उसके पास संसाधन कितने हैं नहीं हैं वो तो हम शनि बाद में देखते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली तो हमें बुद्ध देखना चाहिए, क्योंकि उस घर में कितनी सौभाग्यशाली होगी,
तो बुद्ध से पता लग जाता है, बुद्ध गड़बड़ होंगे तो व्यापारिक लाइन भी गड़बड़ होगी। तो मेरा दूसरा जो श्रेणीगत अगर मैं करूं किसी लक्षण को तो बुद्ध देखना चाहिए, क्योंकि क्योंकि वधु के नाम के आगे लगाया जाता है सौभाग्यशाली, तो उसका गुरु देखना चाहिए और उसकी प्रजनन क्षमता आपको देखना है तो यहाँ से देख लीजिए। और अगर बुद्ध अगर सौभाग्यशाली है तो यहाँ से देख सकते हैं सौभाग्यशाली। अब पुरुषों के नाम के आगे कुछ लगाया जाता है एक विशेषण चिरंजीव। तो चिरंजीव कौन होते हैं? किसी शादी होती है वो हो जाता है ना, हम चिरंजीव दिनेश, चिरंजीव पंकज, चिरंजीव यश, ऐसा हम लिखते हैं ना वर के नाम के आगे। तो चिरंजीव किस बात से चरितार्थ होगा? मंगल, देखिए भाई मंगल जो है वो विजेता बनाते हैं, तो बच्चे का मंगल देखना चाहिए। अगर चिरंजीव का भाव लेके जाते हैं आप तो उसका मंगल देखना चाहिए, और अगर सौभाग्यशाली का भाव लेके जाते हैं तो स्त्री उस कन्या का बुद्ध देखना चाहिए, और यहाँ भी गुरु अच्छा होना ही चाहिए, हेल्थ और वेल्थ अच्छी होगी, गुरु ज्ञान है और स्वास्थ्य भी है, और अगर गुरु अच्छे हैं तो वो एक अच्छी माँ भी बनेगी और अच्छी बच्चों को अपने संतानों को शिक्षा भी देगी। कुछ मैरिज लाइन का अगर लड़के वाले कुछ अगर आते हैं मेरे पास में तो मैं उनकी मैरिज लाइन भी देखना चाहता हूँ। तो अगर कुछ मैं मैरिज लाइन बोलूँ तो ये एक कन्या की है, अब यहाँ पे ये शादी का योग है लेकिन ये एक अच्छी बनी थी 23-24 में, वो धूमिल हो गई है, ये कट गई है, कट गई धूमिल हो गई है। अब नीचे वाली जो है वो अच्छी है, यहाँ पे चांसेस अच्छे हैं, लेकिन कुछ लाइनें इसके ऊपर भी दौड़ रही हैं चिंताओं की, वो नहीं होना चाहिए। खड़े लाइनें होना चाहिए बुध पर्वत पे, लेकिन वो दूर होना चाहिए। ये आड़े हाथ का फोटो लिया है मैंने, और मैरिज से रिलेटेड ये जो उंगली है इसकी लंबाई अच्छी होनी चाहिए, मतलब सन जो उंगली है सूर्य की उंगली उसके फर्स्ट फोरवे तक आनी चाहिए, बीच में से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये पोषण की कमी है, बीच में से टेढ़ी होना और क्या नहीं होना, और ये तिल नहीं होना चाहिए, लाल तिल बुध पर्वत पे लाल तिल, तब क्या होता है हमको कुंडली में जाके उसकी डिग्री भी देखनी पड़ती है कि कहीं डिग्री तो नहीं ख़राब है, तो हमें डिग्री पे भी काम करना पड़ता है। तो दोस्तों एक समअप करूँ तो अगर आप वर देखने जा रहे हैं तो गुरु का पर्वत देखिए और लाइफलाइन देखिए और यहाँ से प्रजनन देखिए। स्त्री का अगर देखने अगर वो देखने जा रहे हैं गुरु देखिए, सौभाग्यशाली कितनी है वो, और प्रजनन देखिए। क्योंकि मैं शुक्र का मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि सुंदर कितनी है वो तो सब आपने देख ही लिया।